तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी टनल मिलती है। उस टनल का दरवाजा बंद होता है, यानी जो उसकी ओपनिंग होती है, तो ये सब समझते हैं हो सकता है इसके अंदर कोई पुराना खजाना छुपा हो। तो वो उसको खोल के अंदर जाते हैं, लेकिन जो अंदर देखते हैं उसको देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुराने स्कल्स पड़े होते हैं। अब दो वर्कर्स आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आता है वहाँ पर, जो कि पता नहीं कई सालों से यहीं पर रह रहा था। और हैरान कर देने वाली बात ये कि वो जिंदा भी था। वो एक वर्कर पर अटैक करके उसे मार डालता है, वो उसके गर्दन पर काट लेता है, और जब दूसरा वर्कर उसे बचाने जाता है तो ज़ॉम्बी उसके मुँह पर भी काट लेता है और उसकी सारी स्किन नोच लेता है, इसकी वजह से वो भी मारा जाता है। इसी के साथ हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम एंडी होता है। ये दोनों भाई बहुत बड़ी बड़ी चोरियां किया करते थे, और एक और आदमी था जो इनका साथ दिया करता था और इनको पुलिस से बचाया करता था। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जिस घर में वो रह रहे होते हैं उनको वो घर गवर्नमेंट ने दिया होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे और उस घर को गिरा कर कोई और बिल्डिंग बनाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि एंडी और उसका भाई उस घर में आ जाते हैं। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एंडी और उसके भाई के ग्रैंडफादर होते हैं। फिर वो सब लोग खाना वगैरह खाते हैं और एंडी और उसका भाई जब बाहर आते हैं तो उन्हें अपने बचपन की यादें आने लगती हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उन बच्चों की आंखों के सामने खुद को गोली मार ली थी, सिर्फ इस वजह से कि उनमें रोज लड़ाई हुआ करती थी। अब दोबारा से हम उसी कंस्ट्रक्शन साइट का सीन देखते हैं, जब उन मरे हुए वर्कर्स की डेड बॉडीज और उनके कुछ हिस्से टनल के बाहर से ही मिल गए थे, तो उस जगह को सील कर दिया जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब सीन आता है दोबारा एंडी और उसके भाई पर, जो कि बैंक को लूटने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो जिस वैन में होते हैं उसी में वो एक आदमी को पिक करने जाते हैं, जिसको बैंक की सिक्योरिटी के बारे में पता होता है और वो इनकी मदद करने वाला था, लेकिन वो दिमाग का थोड़ा ढीला होता है। इसके बाद वो एक लड़की को पिक करने जाते हैं जिसका नाम होता है कैटी। अब ये टोटल पांच लोग बैंक में चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब साथ ही एंडी की टीम का खास आदमी इन सबको अपने अपने वेपन्स देता है और खुद सबसे बड़ी गन रखता है। अब ये सब लोग बैंक पहुँच ही जाते हैं और अपना गेटअप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह बना लेते हैं, ताकि पहले पहल किसी को इन पर शक न हो। के बाद ये बैंक मैनेजर के पास जाते हैं ताकि डायरेक्टली उसको डराकर उसे पैसे मांग सके। बैंक मैनेजर को शक होने लगता है, वो चुपके से अलार्म रिंग करती है और इनको फील नहीं होने देती कि इसने पुलिस को बुलाया है। तब तक बैंक मैनेजर इनसे बातें करने लगती है, तभी उनमें से एक आदमी अपनी गन लेके उठता है, वही जिसने सबसे बड़ी गन अपने पास रखी होती है, और बैंक मैनेजर से कहता है कि हमारा टाइम जाया मत करो। वो उसे लोकर खोलने का कहता है, उस पर गन पॉइंट कर देता है। बैंक मैनेजर डरते हुए लोकर खोल देती है। वो लोग अपने सामने इतने सारे पैसे देख कर बहुत खुश होते हैं, फौरन से अपने बैग को भरने लगते हैं। अब वो जैसे ही खुशी खुशी बैंक से निकल रहे होते हैं कि हमने अपना काम इतनी आसानी से कर लिया, तो बाहर पुलिस होती है, जिसे देख कर वो लोग घबरा जाते हैं। पुलिस उनसे सरेंडर करने को कहती है, तभी उस आदमी को गुस्सा आ जाता है जिसके पास बहुत बड़ी गन थी। वो असल में था ही बहुत हुसीला या एंग्री बर्ड कह ले। वो अपनी गन निकालकर पुलिस को शूट करने लगता है, तो बाकी कहते हैं भाई इसकी वजह से तो हमारी जान भी खतरे में जाएगी। तो वो वापस बैंक के अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि बैंक से बाहर कैसे जाना है। के साथ हम उस ओल्ड होम को देखते हैं जहाँ पर एंडी के ग्रैंडफादर भी रहते थे। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है, क्योंकि सब लोग वहाँ पर एंजॉय और डांस कर रहे होते हैं, इसलिए पहले किसी को पता नहीं चलता। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ अंदर आते हैं तो एंडी के ग्रैंडफादर एक ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। अब इस तरफ एंडी और उसकी टीम बैंक से बाहर निकलते हैं और अपने साथ दो मासूम लोगों को भी पकड़ लेते हैं, ताकि पुलिस इन पर शूट न करे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो देखते हैं पुलिस कहीं पर भी नहीं होती, और साथ इनकी नजर पड़ती है ज़ॉम्बीज़ पर। वो सब ज़ॉम्बीज़ पुलिस को मार चुके होते हैं और सब लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे थे। वो बैंक से लेटे हुए पैसे अपनी वैन में रखने लगते हैं और साथ ही जख्मी लड़की को भी उठा लेते हैं, लेकिन जिस जख्मी औरत को उन्होंने वैन में बिठाया होता है वो जल्दी एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। तो वो लोग उसे वैन से नीचे धक्का दे देते हैं और तभी वो हुसीला आदमी वैन में स्मोक छोड़ देता है। सब लोगों का सांस रुकने लगता है और बाहर की दुनिया में भी ज़ॉम्बीज ने बहुत तबाही मचाई होती है। उधर ओल्ड होम को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। एंडी के ग्रैंडफादर अपने साथियों को लेके वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर ही नहीं पा रहे होते। एंडी और उसके साथी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो उनका ठिकाना होता है, लेकिन जैसे ही वो उतरे होते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो वो गुस्सेला आदमी उसकी टांगों में शूट करता है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पर, जिससे ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के हाथ पर काट लेता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक मासूम औरत
जिसको ये लोग अपने साथ बैंक से ले आए थे, वो अपने कोलीग को बताती है कि ज़ॉम्बीज़ जिसे भी काट लें वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसे सुनकर ये सारे लोग डर जाते हैं। तभी कैटी गन लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार डालती है, लेकिन ज़ॉम्बी का जो अभी भी उस आदमी के हाथ पर ही होता है, जो कि काफी खौफनाक लग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अपने बेबी के साथ आ रही होती है, लेकिन उस गुस्सीले आदमी को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी है, तो वो फौरन से उसके सर पर शूट कर देता है। वो उसके बेबी को पकड़ता है तो देखता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है, तो वो उसे दूर फेंक देता है। अब इन सबको पता चलता है कि पूरे सिटी में ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एंडी और उसका भाई प्लान बनाते हैं कि वो ओल्ड होम तक जाएंगे, लेकिन वो गुस्सीला आदमी उनसे गाड़ी की चाबी छीन लेता है। वो ये सोच रहा होता है कि शायद बैंक से लुटे हुए सारे पैसे ये खुद रखना चाहते हैं। उसके बाद वो वहाँ से उन दो लोगों को जिसने उसे हॉस्टेज बनाया होता है उनको भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उस गुस्सीले आदमी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, तो उस ज़ॉम्बी की गर्दन ही उतार देता है, जिसे देखकर उसके साथ खड़े हुए दो लोग काफी डर जाते हैं। अब हम उस ओल्ड होम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बाहर लॉन में हल्की सी धूप में बैठकर सो रहा होता है। वो अपनी लाइफ से एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके पीछे एक ज़ॉम्बी लंच कर रहा था। तो ये चीज एंडी के ग्रैंडफादर भी देख लेते हैं और वो अपने दोस्त को बुलाते हैं, नींद से जागो, तुम्हारे पीछे ज़ॉम्बी है। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी उठता है तो वो एंडी के ग्रैंडफादर से पूछता है, क्या मुझे क्यों उठाया? इतनी ही देर में पीछे ज़ॉम्बी जो कि लंच कर रहा होता है उनके शोर की आवाज सुनकर आगे आने लगता है और उस बूढ़े आदमी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एंडी के ग्रैंडफादर बाहर आते हैं और उस बूढ़े आदमी को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर के अंदर ले आते हैं। फिर हम उस गुस्सीले आदमी की हालत को देखते हैं जो कि काफी खराब हो रही होती है। उसे वही दो कैद हुए लोग कह रहे होते हैं कि तुम हमें आजाद करा दो, हम एटलीस्ट तुम्हें हॉस्पिटल तो ले जाएं, लेकिन वो आदमी उन्हें चुप करवा देता है, आंखें बंद कर लेता है। इतनी ही देर में ये आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन सब पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो सब लोग जब इस आदमी की ऐसी हालत देखते हैं कि ये तो बेखतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है, तो एंडी का भाई उसके सर में शूट करने लगता है, लेकिन उस आदमी के सर में एल्युमिनियम प्लेट होती है जिससे उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी वो लोग उसके मुंह में एक बॉम्ब रख देते हैं जिसके पटने से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस गुस्सीले आदमी की जान भी यहाँ पर चली ही जाती है। तभी उन दो होस्टेज बने हुए लोगों में से लड़का वो गन उठा लेता है और उन सब से कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो, बहुत हो गया, तुम लोग मजीद मुझे कैद नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, तो एंडी और उसकी टीम उसे कहती है, पीछे देखो तुम्हारे पीछे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, शायद ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही वो तीनों ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, उसके गर्दन पर काट लेते हैं, लेकिन इस दौरान उस आदमी से गोली भी चल जाती है जो कि सीधा एंडी की टीम मेंबर को लगती है, वही जो इन्हें सिक्योरिटी से बचाने वाला था, वो यहाँ मारा जाता है। ये सब लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने दरवाजा भी तोड़ लिया था। जल्द ही लोग अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी इनको याद आता है कि गाड़ी की चाबियाँ तो उसी गुस्सीले आदमी ने छीन ली थी, तो एंडी उसे वो चाबियाँ लेने जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर उठ जाती है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि उसका भाई आकर उसे बचा लेता है। जब वो लोग गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कैटी ने तो पहले से ही गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। खैर अब वो जल्दी से वहाँ से निकलते हैं कि कोई ज़ॉम्बी उनके पीछे न पड़ जाए। जिस लड़की को उन्होंने हॉस्टेज बनाया था उससे कहते हैं कि तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे, अब हम सबको सिर्फ सेफ रहना है। अब हम ओल्ड होम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे बूढ़े लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से यहाँ से निकला जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज आते जा रहे थे। लेकिन एक मसला ये भी था कि बाहर निकलने का यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था, तो उनमें से एक बूढ़ी औरत कहती है कि हमें यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए, क्या पता कोई हमारी मदद करने के लिए आए। तो एंडी के ग्रैंडफादर कहते हैं, कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो, कोई भी नहीं आएगा, हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। दूसरी तरफ एंडी और उसकी टीम उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाते, लेकिन जब उसके घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उस लड़की के सारे फैमिली मेंबर्स ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं, जिसे देखकर उस लड़की को बहुत दुख होता है। तो वो उन सबसे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ उसी जगह चले जाती हूँ जहाँ तुम लोग जा रहे हो, यानी वही ओल्ड होम। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते, उन्हें दीवार के उस पार काफी अजीब चीज नजर आती है। ज़ॉम्बीज के दो ग्रुप बने हुए हैं, एक टीम ब्लू है और एक टीम रेड, उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये लोग भी काफी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं, लेकिन तभी ये चांस को अवेल करते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज का ध्यान लड़ाई की तरफ होता है, तो ये लोग वहाँ से भाग आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या किया जाए, और अगर कोई ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाता है तो उसे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि इनके पास वेपन्स नहीं होते जो ज़ॉम्बीज की टक्कर के हों। तभी केटी इनको आइडिया देती है कि हम उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस गुस्सीले आदमी ने अपने वेपन्स जमा कर रखे हैं। ये सब लोग उस तरफ
चल पड़ते हैं। वहाँ पर उस आदमी की वेपन कलेक्शन देखकर ये काफी हैरान होते हैं, अपनी पसंद से अपने अपने वेपन्स चूज कर लेते हैं। ये सब लोग इस गाड़ी में ओल्ड होम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि इस छोटी सी गाड़ी में हम उन बूढ़े लोगों को कैसे रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे, इसके लिए बहुत बड़ी व्हीकल चाहिए होगी। तो ये लोग उसी हुसीले आदमी की डबल डेकर बस को लेते हैं और उसी में वेपन्स रख के यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये लोग ओल्ड होम तक पहुँच ही जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर तो ज़ॉम्बीज का राज है। अब क्योंकि उन लोगों ने ओल्ड होम को अंदर से बंद कर रखा था, तो ये लोग सोचते हैं फिर से होते हुए घर के अंदर जाएंगे और वो लड़की जिनको इन्होंने होस्टेज बनाया हुआ था वो सब ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और अपने पीछे लगा लेती है। ये लोग आसानी से घर के अंदर जा सके, लेकिन जब वो लोग भी घर के अंदर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं। तो केटी एक एक करके उनको मारने लगती है। जैसे ऊपर जाकर एक छोटा सा दरवाजा खोलते हैं तो नीचे एंडी के ग्रैंडफादर होते हैं, उनके हाथ में चाकू होता है और वो इन पर अटैक करने वाले होते हैं, ये सोचते हुए कि शायद ये लोग कोई ज़ॉम्बीज है। लेकिन जब देखते हैं कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इन्हें वेपन्स दिखाते हैं और कहते हैं कि आप इस ज़ॉम्बीज को शूट करें, और वो गन्स बाकी लोगों को भी दे दी जाती हैं। अब एंडी का भाई कुछ ज़ॉम्बीज को बॉम्ब से उड़ा देता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ज़ॉम्बीज बच जाते हैं। इसके बाद एंडी दो ज़ॉम्बीज को मारता है उनके अंदर तलवार घुसाकर, लेकिन तीसरा ज़ॉम्बी जो कि उस दीवार के उस पार होता है वो भी इस तलवार से मारा जाता है, एक तीर से तीन तीन शिकार। तभी हम एक और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एंडी के ग्रैंडफादर के पांव पर काट लेता है, लेकिन ग्रैंडफादर अपना वही पांव उठाकर उसको मारते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये इनका नकली पांव था, तो इस वजह से इन पर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का भी कोई असर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को एक नर्स दिखाई देती है जो कि इनके केयर टेकर भी थी, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तो वो बूढ़ा आदमी से सॉरी कहता है और शूट कर देता है, और अब ऑलमोस्ट सारे ही ज़ॉम्बी खत्म हो चुके थे। तो ये सब काफी लाइट फील कर रहे होते हैं, वहां से निकलने लगते हैं। रास्ते में जो जो ज़ॉम्बीज आते जाते ये उनको शूट करते जाते, क्योंकि ये सब एक साथ थे और हर एक के पास अपना अपना वेपन था। तभी तो कहते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ। अब लोग घर से बाहर आ जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो कि ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है वही डबल डेकर बस लेकर आ जाती है। अब ये सारे लोग ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए इस बस के अंदर बैठ जाते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ तक सेफली पहुंच चुके थे। तभी वो लड़की एंडी के ग्रैंडफादर को बताती है कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन ने बैंक को लूटा है। तो इनके दादाजी यानी एंडी के ग्रैंडफादर इन दोनों भाइयों को बहुत डांटते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इस बार माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने बाकी लोगों की भी जान बचाई है, लेकिन आइंदा ऐसा किया ना तो फिर देखना। जिसको सुनकर सारे स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद वो बस को लेकर आगे निकल जाते हैं। सब ज़ॉम्बीज उनको देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक रास्ते में वो बस खराब हो जाती है और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उनको डराने लगते हैं। तो वो लोग बस से बाहर आकर ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं, साथ ही उन्हें बोट दिखाई देती है। वो सब लोग बोट में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो बोट एक बहुत ही मोटी और स्टील की चेन से बंधी हुई है। तो एंडी के ग्रैंडफादर फौरन से वहां जाते हैं उस चेन को खोलने के, लेकिन उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उन्हें आवाज देते हैं कि दादाजी आप वहाँ ना जाएं, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन बाकियों की जान बचाने के लिए इनके दादाजी को अपनी जान देनी भी पड़ती तो वो दे देते। इसी के साथ ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एंडी उसका भाई और केटी काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि दादाजी काफी कूल तरीके से उन ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे होते हैं और अपनी जान खुद ही बचा लेते हैं, जिसको देखकर इन लोगों में भी हिम्मत आती है और ये लोग सब मिलकर उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मारने लगते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर मौजूद सारे के सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और ये सब दादाजी के बगैर पॉसिबल ना होता। ये सब बोट में चले जाते हैं कि यहाँ से कहीं दूर जाएंगे और वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। सब बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।